डॉक्टर साहब, अगर हम इसके अगर थोड़ा सा उपाय के बारे में जान लें कि क्या कुछ शुरुआती उपाय अगर हम हो सके या फिर घरेलू कुछ नुस्खे हैं वो अगर हम कर सकें तो इसको लेकर कुछ बताएं। देखिए, इसके जो ट्रीटमेंट होती है, शुरुआती लक्षण और बचाव, दो चीज पर बहुत ध्यान देना आवश्यक होता है। सबसे पहले इससे बचाव कैसे करें कि ये हो ही नहीं, तो इसके जी लिए जो मुख्य चीजें हैं वो पहला है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम लोग बात करते हैं वो जरूर से पालन करना सबको आवश्यक है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब है मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग। मास्क जो जी है, क्योंकि ये भी वायरल इन्फेक्शन जो है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक से ही खांसी सर्दी छींक इनसे ही एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता है। तो जब मास्क का प्रयोग करते हैं तो आप इस तरह के वायरस को समाज में, वातावरण में संक्रमण से बचा पाते हैं और नहीं फैलने देते हैं। तो मास्क का प्रयोग, डिस्टेंसिंग का प्रयोग, हैंड हाइजीन का प्रयोग। हैंड हाइजीन का मतलब कि बच्चों को भी ट्रेनिंग देनी है कि हाथ साफ रखें। आप कहीं सिक्रीशन से, कहीं आप बच्चे खेल रहे हैं टेबल पर, डेस्क में गए, स्कूल खुल गई है, कॉलेज खुल गई, एक भी बच्चे को अगर इस तरह की फ्लू है और वो छींका है तो उसके डेस्क पर, उसके जहां पढ़ता है उस पर, टेबल पर अगर छींक के बाद कीटाणु आए हुए हैं तो एक छींक में हजारों करोड़ों की संख्या में वायरस पार्टिकल रहते हैं। वो कोई दूसरा बच्चा उसको टच किया उस टेबल को और वो नाक और मुंह में लगा दिया होंगी, तो उससे उस दूसरे बच्चे में भी ये वायरस चला जाता है और फिर तेजी से एक से दूसरे, दूसरे से चौथे, चौथे से आठवें, इस तरह से वो फैलता जाता है। तो हाथ का साफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हैंड हाइजीन है, आप हाथ, गंदा हाथ को मुंह में नहीं लेते, नाक में नहीं लेते हैं, तो ये वायरस का पार्टिकल आपके शरीर में नहीं प्रवेश करेगा। तो पहला बचाव के लिए तरीका होता है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क का प्रयोग, हाथ हैंड सैनिटाइजेशन करें और डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्राउडिंग में ना जाए। अभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को लेकर क्राउडेड एरिया में नहीं जाना चाहिए जहां भीड़ भाड़ है, क्योंकि एक से दूसरे में कोई भी बच्चे को है तो फैलने की संभावना बढ़ सकती है। दूसरी चीज है प्रिवेंशन का, बहुत महत्वपूर्ण जो है वो है फ्लू का वैक्सीन। फ्लू का वैक्सीन उपलब्ध है और 6 महीने से ऊपर सभी बच्चों को देने की आवश्यकता होती है, बुजुर्गों को देने की आवश्यकता है, जो लोग को मॉर्बिड कंडीशन में, जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, डायबिटीज है, किडनी की इश्यू है, कार्डियक इश्यू है, हार्ट की इश्यू है, कोई और स्ट्रोक हुआ हुआ है ब्रेन में, उन सबों को ये फ्लू का वैक्सीन जरूर से पढ़ना चाहिए। WHO अप्रूव्ड वैक्सीन होती है और साल में इसके स्ट्रेन आते हैं उसके हिसाब से फ्लू का वैक्सीन पड़ता है। अगर जहाँ एंडेमिक एरिया, एपिडेमिक एरिया है जहाँ की बहुत तेजी से वायरल फ्लू फैला है, वहाँ स्वस्थ बच्चों को भी फ्लू का वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए और प्रेग्नेंट लेडीज में भी ये फ्लू का वैक्सीनेशन पड़ता है, उन्हें भी देना चाहिए। क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज में यदि ये फ्लू का वैक्सीन पड़ जाता है सेकेंड लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो उससे जी जब डिलीवरी के बाद बच्चों में 6 महीने तक उससे बचाव किया जा पाता है। तो इसलिए फ्लू का वैक्सीन एक इम्पॉर्टेंट हथियार है, टूल है, जिससे कि हम लोग इस तरह के वायरल इन्फेक्शन के फैलाव को बचा सकते हैं। दूसरी चीज है कि जो स्वाइन फ्लू भी एक दो केस आज पुष्ट होकर के आए, पुष्टि हुई है उसकी स्वाइन फ्लू की, वो भी H1N1 वायरस है और जी इस तरह के इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट भी अप्रूव्ड एंटीवायरल एजेंट हैं, जो दवाइयां हैं, ड्रॉप्स हैं, सिरप है बच्चों के लिए एंटीवायरल, तो वो 15 दिन से ऊपर, 2 वीक से ऊपर के बच्चों को भी ड्रॉप्स दी जाती है एंटीवायरल एजेंट की, जो बहुत सेफ है, FDA अप्रूव्ड भी है। तो वो एंटीवायरल दवाइयों का उपलब्धता होने की आवश्यकता है। जैसे ही वायरल पार्टिकल्स की कंफर्मेशन होती है ये वायरल फ्लू है, तो उसके अनुरूप इस एंटीवायरल एजेंट का प्रयोग करना चाहिए। और ये ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रोफाइलेक्सिस के लिए, बचाव के लिए भी एंटीवायरल दवाइयों का प्रयोग जो है वो FDA अप्रूव किया हुआ है कि अगर घर में किसी, कोई बच्चे हैं और घर में यदि किसी सयाने को, बड़ों को फ्लू हो चुका है, या एक बच्चे को हुआ दूसरे को नहीं हुआ, तो उससे जी बचाव के लिए आइसोलेशन तो करना ही है, बच्चों को आइसोलेशन में रखना है, जिसको भी ये फ्लू की बीमारी हुई है उसे आइसोलेशन में रहना है। और साथ ही साथ वो तो प्रोफाइलेक्टिक एंटीवायरल एजेंट है, वो देने से उससे भी बचाव हो जाता है कि हमें वायरस की इन्फेक्शन ना हो। इसलिए दवाइयों का प्रोफाइलेक्टिक होने के पहले ही सेवन कर लेने से 1 वीक तक, अगर उस घर में लोगों को हुआ हुआ है फ्लू, तो बचाव संभव हो पाता है। तो ये भी एक बचाव का तरीका होता है। अब ट्रीटमेंट जब होती है तो ट्रीटमेंट जी जो हम लोग करते हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं और एंटी फ्लू जो वायरस पार्टिकल के अगेंस्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध है वो देते हैं। तो अगर किसी को तेज बुखार हो रहा है तो पैरास्टामोल की ड्रॉप्स या गोली या दवाइयां दे करके बुखार को सप्रेस करके रखना होता है। अगर किसी को खांसी हो रही है तो कफ सिरप दे करके खांसी को सप्रेस करके रखना होता है। और जी यदि किसी को डायरिया, डिसेंट्री है, तो एंटी डायरियल एजेंट दे करके उसे
उसे कंट्रोल पे रखना होता है। किसी को पानी और लवण की कमी हो रही है तो पानी चढ़ा करके उसे रिहाइड्रेट करके बॉडी में पोषक तत्वों की कमी ना हो उसे देखना होता है। और बचाव के लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी कुपोषण है बच्चों में या कहीं भी बच्चे कमजोर हैं, उन्हें पौष्टिक भोजन देकर के जिसमें हाई प्रोटीन डाइट हो, जिसमें विटामिन सी की मात्रा प्रचुर हो, जैसे नींबू का चीज होता है, संतरा होता है, फल होते हैं, रसदार फल होते हैं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, उनसे भी बहुत इम्यून सिस्टम बढ़ती है। और प्रॉपर स्लीप बच्चों में और बड़ों में, प्रॉपर 7 घंटे का स्लीप बड़ों में जैसे अगर हो जाता है तो वो भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आपकी इम्यूनिटी भी आपके खान पान से, आपके एक्सरसाइज करने से, दौड़ने से, टहलने से, स्ट्रेस फ्री रहने से और स्लीप से बढ़ती है, जिससे कि आप बहुत सारी व्याधियों को आपका शरीर पार कर जाता है, कंट्रोल पे रखता है। तो इस तरह से इन चीजों से आप बचाव भी करते हैं और अपना ट्रीटमेंट भी करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आप बता रहे थे कि इस वायरल बुखार के लिए वैक्सीनेशन की भी जो है अपने पास दवा है, वैक्सीनेट करवा सकते हैं, तो क्या ये WHO, आपने बताया कि WHO से भी अप्रूव्ड है, तो क्या वो भारत सरकार की तरफ से भी कुछ वो दी जाती है या जी फ्री सुविधा, इस तरह की कुछ चीजें हैं, बताएं उसके बारे में थोड़ा सा। जी ये जी जी ये वैक्सीन जो है ये WHO से अप्रूव्ड वैक्सीन है और भारत सरकार से भी अप्रूव्ड है और बहुत सारी कंपनियां इस वैक्सीन को बनाती हैं। और ये वैक्सीन का स्ट्रेन हर एक साल में जो डोमिनेंट फ्लू वायरस का स्ट्रेन होता है उसके आधार पे बनता है और वो अप्रूव्ड रहता है कि इस रीजन के लिए इस पर्टिकुलर सीजन में ये वायरस के फैलाव की संभावनाएं रहती है और ये अप्रूव्ड वैक्सीन है उसकी, और ये हमारे यहाँ भी हर जगह उपलब्ध रहती है।